यदि आप दुनिया के सबसे महंगे आम की कल्पना करेंगे तो कितना करेंगे? 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या ज्यादा से ज्यादा 1,000? चलिए मान लेते हैं 10,000। लेकिन एक आम ऐसा भी है जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 3 लाख रुपए प्रति किलो तक भी बिकता है। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको अपनी कानों पर, लेकिन ये सच है। तो आइए जानते हैं इस आम की वैरायटी और उसकी खासियत के बारे में जो इसे इतना महंगा बनाती है। जापान के मियाजाकी शहर में उगाई जाने वाली आम की एक किस्म जिसे टायो नो टोमैगो के नाम से जाना जाता है। आम की ये वैरायटी जापान में पाली हाउस में उगाई जाती है। वहाँ इसे एक ऑफ सन यानी सूर्य का अंडा भी कहा जाता है। ऐसा इसके सुर्ख लाल रंगों और आकार के चलते कहा जाता है। सामान्यतः इसे मियाजाकी के नाम से भी जाना जाता है। इस आम की खास बात यह है कि इसमें 15% अधिक शुगर पाया जाता है तथा ये आम एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और इसमें बीटा कैरोटीन और फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। इस आम की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपए प्रति केजी तक बताई जाती है। इस आम को उगा कर कोई भी व्यक्ति आसानी से पैसे बना सकता है, लेकिन फिलहाल इसके पौधे पाना मुश्किल है। इसके पौधे कहाँ से प्राप्त होंगे, जैसे ही हमें कुछ अपडेट मिलता है हम आपको सूचित करेंगे। जबलपुर से चरगांव रोड पर संकल्प सिंह परिहार के 12 एकड़ के फार्म हाउस में मियाजाकी के 7 पौधे लगे हैं। बीते वर्ष इनके फार्म से कुछ आमों के चोरी होने के बाद से इन आमों की रखवाली के लिए 4 गार्ड तथा 6 कुत्ते तैनात किए गए हैं। आगे उन्होंने बताया, ये आम कैंसर से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आंखों को फायदा पहुंचाता है, स्किन के लिए फायदेमंद होता है तथा हीट स्ट्रोक से बचाता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।